वेलकम टू अवामी टाइम्स। मैं सुबह अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमको आपको बता दें कि आज मराठी पत्रकार संघ में रिपब्लिकन सेना आनंदराज अंबेडकर के जनाब की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री विजय दवे भाई और सावंत साहब और श्री आनंदराज अंबेडकर उपस्थित रहे। और इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि देश का हर नागरिक को देश की किसी भी हिस्से में रोज़गार करने का पूरा पूरा हक है। और आवामी टाइम्स की देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। आज की पत्रकार परिषद खास इसके लिए है कि जिस तरीके का माहौल ही देश में पैदा हुआ किया गया है कि लोग आजकल रास्ते पर आने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रशासन है सीबीआई ईडी एनसीबी इसके अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो उनके पीछे ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन लगाई जाती है, नहीं तो उनके खिलाफ यूपीए जैसे ब्लैक कायदे के तहत उनको अटक किया जाता है, उनको देशद्रोही बताया जाता है। इस तरीके जो माहौल पैदा किया है इसके खिलाफ रिपब्लिकन सेना आज मैदान में उतरना चाहती है और ये सब जो भयावह परिस्थिति देश में है उसके खिलाफ आंदोलन करने की रिपब्लिकन सेना की कोशिश है। और अभी ये बहुत सारी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, खास करके यूपी में, तो यूपी में रिपब्लिकन सेना पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ाने वाली है और इसके लिए सभी जाति धर्म के लोग हम रिपब्लिकन सेना में शामिल कर रहे हैं। खास करके आज ब्राह्मण समाज संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दवे जी वो आज रिपब्लिकन सेना में यहाँ हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे पार्टी में आज उनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिया है और वहाँ यूपी में डॉक्टर आजम करके मुस्लिम समाज के वहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, मुस्लिम समाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो यूपी में ये दोनों जाके वो उनको वहाँ और उनके सभी साथियों को पार्टी में लेने वाले हैं। आज इनके साथ यूपी में आज ही के दिन हमारे साथ पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और वो यहाँ प्रदीप दुबे जी है, रमेश तिवारी जी है, कुमार पांडे जी है, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे जी है और बहुत सारे इनके सहयोगी है जो यूपी में हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन होंगे। और एक बड़ी ताकत यूपी में हमारी रिपब्लिकन सेना की उभरने वाली है और इसीलिए खास करके हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ अरेंज किया है कि जिसके वजह से लोगों में एक मैसेज चली जाए कि हम लोग एक नया बाबा साहब के संविधान पे भरोसा रखने वाले और बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोगों की एक बड़ी ताकत बना के इस देश को सही मायने में संविधान के ऊपर चलने का कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग देखा होगा कि संविधान तो आज अपनी जगह पे है मगर लोग जिस तरीके से संविधान का पालन करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं। दिखाते एक है और करते एक है। हमने देखा कि सरकार ने पहली बार इस देश में 26 नवंबर को संविधान दिन मनाया मगर ये सरकार ने बनाया, बीजेपी और आरएसएस संविधान दिन मनाती है क्या? वो इस संविधान को कितना मानती है ये हमारा प्रश्न है। अगर बीजेपी और आरएसएस अगर संविधान दिन मनाती तो पूरे देश में हर कोने में संविधान दिन सेलिब्रेट होता था मगर ये नहीं हुआ है। तो ये जो दिखाते हैं वैसा होता नहीं है और इसीलिए हमारा कहना ये है कि हम देश में सही मायने में बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली ये रिपब्लिकन सेना है और उसको हम इस देश में पूरे देश में पूरी ताकत से उतारने वाले हैं और यही हमारी कोशिश होगी। थैंक यू। हमारा भी और यूपी के अंदर जो इलेक्शन की अभी तैयारी है तो हमारे 72 जिले के अंदर जिला प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तालुका वाइज भी हमारे सारे कार्यकर्ता ऑलरेडी हो चुके हैं। इलेक्शन की तैयारी तो हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यू कर ही रहे थे और जॉइंटिंग का आज का दिन मेरा बर्थडे होने के कारण सर ने बोला था कि आज ही के दिन ज्वाइन करना है। पिछले 4 महीने से तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी की जो परिस्थिति चल रही है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो यूपी की, वहाँ पे जिन जिन प्रकार के ब्राह्मण के साथ अवहेलना हो रही है, बाकी लोगों के साथ अवहेलना हो रही है, कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार का जो
आयोजन है उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा के मुताबिक चार रोड बना देने से या पेवर बनाने से बाकी लोगों के पब्लिक का कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा है, खाली सिटी का विकास होगा और पब्लिक का विकास नहीं होगा। पब्लिक को अपने मुताबिक सब घर गृहस्थी चलाने में जो जो दिक्कतें आ रही है, ना उन्होंने कोई रोजगार दे पा रहे हैं, ना कोई बाकी सारी चीज़ की कोई फैसिलिटी दे रहा है, महंगाई दर पे दर बढ़ रही है, उसके मुताबिक ये सारा एजेंडा लेके हम यूपी के अंदर इलेक्शन में उतर रहे हैं। बीएमसी चुनाव के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ समविचारी पक्षों के साथ युति करके हम लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं। बहुत सारी पार्टियाँ हमारे से बात करना चाहती है और हमारी बातचीत शुरू भी हुई कुछ पार्टियों से, और हम चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छा गठबंधन और अच्छी बीएमसी में सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता अच्छी तरह अच्छे लोगों में चली जाए और वह हमारी कोशिश हो। किसी पार्टी के साथ जैसे गठबंधन करने के साथ साथ आप कितने उम्मीदवार उतारने के उम्मीदवार? देखो अभी फिलहाल तो इतना बोल नहीं सकते, मगर हम जरूर रीजनेबल उम्मीदवार तो उतारेंगे कि डबल फिगर में हम लोग यहाँ हमारे कॉर्पोरेट हो जाए, इतनी हम कोशिश करेंगे। सर प्रकाश अम्बेडकर आपके भाई हैं तो उनके साथ में आपको गठबंधन? वो देखो वही होता है कि क्या अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमारी युद्ध की शुरुआत हमें तैयारी कर रहे हैं, जब मैदान में जाएंगे तभी हम तय करेंगे क्या करना है। वो राठौर जी वगैरह बताए ना, मैं आते रहती हूँ। वेलकम टू आवामी टाइम्स।